यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य। नीम का थाना न्यू सेंट्रल एकेडमी चिंकारा कैंटीन के पास एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नीम का थाना शिखा अग्रवाल बैंक कर्मी मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। नीम का थाना पुलिस ने किया खुलासा। नीम का थाना पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत के नेतृत्व में टीम बनाई गई और नीम का थाना डीएसपी अनुज डाल के नेतृत्व में निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह कार्रवाई की है और आरोपी जो शिखा अग्रवाल का पति था पंकज बत्रा, उसको गिरफ्तार किया है। और पति ही निकला हत्यारा इस मामले में। गृह कलेश के चलते गला घोट कर की थी हत्या। आरोपी पंकज बत्रा हुआ गिरफ्तार। नीम का थाना के मामला था कि 17 तारीख को रविवार को जब शिखा अपने पति से मिलने नेहरू पार्क गई थी तो वहाँ परिजनों ने 10 बजे के बाद में फ़ोन किया, सूचना नहीं लगी कोई सूचना। उसके दूसरे दिन शिखा अग्रवाल का शव भराला मोड़ के पास मृत पाया गया, पड़ा हुआ वहाँ खेत में। और इस पर पुलिस ने सूचना दी, जानकारी जुटाई और बताया गया कि शिखा अग्रवाल की शादी दिसंबर माह में हुई थी और पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सनसनीखेज हत्या की वारदात का तत्वरित खुलासा करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था। मोबाइल फोरेंसिक टीम सिक्कर द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया गया था। घटनास्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। घटना के वारदात के संबंध में साक्ष्य जुटाए गए और डीएसपी अनुज डाल ने बताया कि गठित टीम द्वारा मृतक महिला शिक्षा गुप्ता के पति पंकज बत्रा से घटना संदिग्ध प्रतीत होने से विभिन्न मनोविज्ञान तरीके से गहनता से घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसकी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई तो ज्ञात हुआ कि पंकज बत्रा और शिखा गुप्ता की शादी 4 दिसंबर 2023 को हुई थी। शादी के बाद घरेलू बातों को लेकर दोनों में अनबन रहती थी और दोनों ही बैंक कर्मी थे। दिनांक 7 फरवरी 2024 को मृतका व उसके पति के बीच घरेलू बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिससे मृतक अपने पिता के घर खेतड़ी मोड़ जाकर रहने लगी मृतका शिखा अग्रवाल। और दिनांक 16 जून 2024 को पंकज बत्रा ने अपनी पत्नी शिखा गुप्ता को मिलने के बहाने नेहरू पार्क बुलाया, जहाँ दोनों में बातचीत की और पंकज बत्रा अपनी पत्नी शिखा गुप्ता को घुमाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाकर जीर की चौकी की तरफ ले जाकर गाड़ी सुनसान जगह में खड़ी करके अपनी पत्नी से बातें करने लगा और बातें करते करते ही हत्या के उद्देश्य से गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतका के शव को गाड़ी से नीचे उतारकर रोड की साइड में स्थित गड्ढे में धकेल दिया। पंकज बत्रा ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी शिखा गुप्ता की निर्मम हत्या की और अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसे गठित पुलिस टीम द्वारा भरकस प्रयास कर अभियुक्त पंकज बत्रा को गिरफ्तार किया गया। जिसके पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर पंकज बत्रा ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया है, ऐसा पुलिस के प्रेस नोट में कहा गया है। पूर्व में मृतका की लाश का पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जाकर परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु लाश को सुपुर्द किया गया था और इस प्रकरण में आरोपी पंकज बत्रा के विरुद्ध धारा 498A, 304B, 302 भादस अपराध प्रमाणित पाए जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी से अनुसंधान जारी है और भी पूछताछ कर रही है और पुलिस टीम में थे अनुज डाल, RPS वर्ता अधिकारी नीम का थाना और विजय सिंह पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी सदर नीम का थाना, सुभाष चंद्र उप निरीक्षक थाना पुलिस सदर नीम का थाना, सुनील कुमार हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सदर, सुभाष कांस्टेबल पुलिस थाना सदर ये रहे। और गिरफ्तार आरोपी है पंकज बत्रा, पुत्र स्वर्गीय हरीश बन्ना, जाति बन्ना पंजाबी, उम्र 38, निवासी विजयनगर तहसील जिला अलवर, हाल ही मोदी बाग के पीछे प्रताप नगर नीम का थाना कोतवाली में रहने वाला है और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधित थाने से प्राप्त किया जा रहा है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन झलको शेखावटी इस तरह की खबरों का सरोकार नहीं करता। हमारे समाज को सीख लेनी होगी कि इस प्रकार की खबरों की पुनरावृत्ति न हो। समाज में एक सकारात्मक संदेश से सभी मिलकर काम करें, इस तरह की घटना न हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर खबर के लिए देखते रहें झलको शेखावाटी। गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना एडमिशन ओपन। जी सर, 17 तारीख को सुबह शिखा अग्रवाल की डेड बॉडी मिली। थोड़ी देर बाद में पहचान की शिखा
था अग्रवाल की, और उसके संदर्भ में फिर उसकी डेड बॉडी को आज उठाया, पोस्टमार्टम करवाया, उसके परिजन आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके परिजनों ने उसके पिताजी रिपोर्ट दी कि हमारी बेटी कल रात से गायब थी और लास्ट वो उसके पति के साथ घर से अपने पति का लेके गई थी। जैसा कि इस मामले में उस दिन 17 तारीख को रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके पिता की तरफ से, उससे पहले की कहानी ये है कि उसकी 4 दिसंबर 2023 को शादी हुई थी, और शादी के बाद ये खुद शिखा अग्रवाल बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारी थी, और इसका हस्बैंड जो है वो पंकज बत्रा, वो भी बैंक में कर्मचारी था। तो ये किसी पारिवारिक तरीके से मिले और इनकी शादी हुई। शादी के बाद जस्ट बाद में ही इनके कहने के मुताबिक इनका डिस्प्यूट चल रहा है, 2-3 महीने एक साथ रहे, उसके बाद अलग अलग रहना शुरू हो गए, और अभी जब इसकी डेड बॉडी मिली है उससे 4-5 रोज पहले से ये नेहरू पार्क गार्डन जो नीमका थाना में है वहाँ लगातार मिल रहे हैं 3-4 दिन। 16 तारीख को शिखा अग्रवाल जो है वो घर से नेहरू पार्क का कहती है, उसके बाद 2-3 घंटे पंकज के साथ रही, फिर पंकज के पूछताछ में ये हुआ कि पंकज उसको नीमका थाना से लेके गया इधर धीरती चौकी से आगे, जैसा उसने अभी तारीफ किया उस जगह का, वहाँ उसने अपनी पत्नी शिखा अग्रवाल का जो उसके पास गाड़ी थी उस गाड़ी में गला घोट के उसकी हत्या कर दी, और वहीं उसको एक साइड में खींच के वो करीब सड़क से 4-5 फीट नीचे जगह वहाँ वो डेड बॉडी को डाल दिया, और डेड बॉडी को डालने के बाद वो वहाँ से भाग गया और